शासक विधायक संगे बिरोधी हाथाहाति ओएलएनएमे विक्षोभ बीजेपी विधायक बिरोधी विधायक जापटे धरे सरिये दिलें मार्शल 370 धारा निये फेर उत्तप्त हलो जम्मू और काश्मीर विधानसभा 370 धारा पुनर्बहल प्रस्ताव घिरे हाथाहाती जड़ालें शासक और बिरोधी विधायक एदिन सकाले अधिवेशन शुरू हलो वितर्क बाधे एक पोस्टर के केंद्र कर बारामूलार सांसद इंजिनियर रशीदर भाई तथा आवामी इत्तेहाद पार्टी विधायक खुर्शीद आहमेद शेख 370 धारा समर्थने एक पोस्टर तुले धरें आपत्ति जानान बिरोधी दलनेता और किस्तवाड़ेर बीजेपी विधायक सुनील शर्मा दुपक्षेर बादानुबाद और हाथाहाती उत्तप्त हो उठे विधानसभा परिस्थिति सामलाते डाकते हैं मार्शल के शेष पर्यंत विधानसभा अधिवेशन मुलतुवी कर दीते हैं भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। 5 अगस्त 2019 को जब बीजेपी ने 370 हटाया था तो जम्मू कश्मीर को जेल खाना बना के 3 चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उसमें रखे थे डिटेंशन में। नेट जो है कम से कम 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। नुमाइंदगी करने के लिए रेजोल्यूशन आया है, फिर क्या हो गया? इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, कानून के तहत है नहीं है, कोर्ट मौजूद है, लेकिन असेंबली के अंदर डेस्क पे चढ़ जाना, एक दूसरे को गालियां देना, शायद ये किसी किताब में नहीं है। द्वितीय बार क्षमता आसार पर ही 2019 साल 5 अगस्त संविधान 370 धारा अनुजाई जम्मू काश्मीर विशेष मर्यादा रद्द कर मोदी सरकार। जम्मू काश्मीर थेके लादाख के आलादा करे दुटी पृथक केंद्रशासित अंचले रूपान्तरित करा हय। এই সিদ্ধান্তে সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে একাধিক মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। দীর্ঘ শুনানির পর ঐতিহাসিক রায়ে সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দেয় সংবিধানের 370 ধারা অনুযায়ী জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপ অসাংবিধানিক নয়। 6 বছর পরে গত সোমবার জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় অধিবেশন বসে। বুধবার উপত্যকায় সংবিধানের 370 অনুচ্ছেদ ফেরাতে চেয়ে প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবে কেন্দ্রের কাছে অনুচ্ছেদ 370 ফেরানোর বিষয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার আর্জি জানানো হয়েছে। এনসি বিধায়ক ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর কুমার চৌধুরীর দাবি, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লোপের কারণে বাইরের লোকেরাও সেখানকার জমি কিনছেন, সেই কারণে অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে স্থানীয়দের। এবিপি আনন্দ।